हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं टारो स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ इंस्टा एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल में, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ मार्च 2024। इन प्रेडिक्शंस के दौरान मैं आपको मदद करूँगी अपने मंथ को कैसे बेटर बनाना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऐसे राज है जो खुलेंगे आप सबके सामने, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आप फॉलो करके अपने महीने को और बेटर बना सकते हैं। आइए बात करते हैं नंबर टू की। नंबर टू, मार्च का महीना आप लोगों के लिए विजय लेके आया है। किसी भी क्षेत्र में आप हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन में बैठना है, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा अप्रिसिएशन हो क्यों नहीं रहा है, मुझे प्रमोशन मिल क्यों नहीं रहा है, तो अब आपको उसके अंदर जीत मिलेगी। आपको हर एक उस चैलेंज में जीत मिलेगी। ऑफ कोर्स एक चीज़ रखनी है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, आप अपने काम के प्रति बिल्कुल यहाँ पे सक्षम हैं, आपकी सक्षमता को, आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर हावी होंगे। देर आर चांसेस कि अगर आपके खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेसी पहले हो रही थी तो अब आप उससे बच के निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो समझ चुके होंगे कि आपको उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी प्लानिंग्स के बारे में पता है। रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा महीना रहेगा इस मंथ के अंदर। जितने भी आप लोगों के बीच में इशूज थे, ईगो बैटल्स थे, क्लैशेस थे अमंग द पार्टनर्स, वो भी खत्म होंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जिनको भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, नसों में इशू रहता था, दिक्कत रहती थी, क्लॉट्स हो जाते थे, किसी भी तरीके की ऐसी अगर प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब आपको अच्छा इलाज मिलेगा, इससे रिलीज होंगे आप। एंड जितने भी इरिटेशंस, अननेसेसरी का इरिटेशन, इरिटेट हो जाते थे आप, कहीं समझ नहीं आ रहा था तो एक मूड स्विंग प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार आपको हेजिटेशन हो रही थी कि भाई मैं अपनी बात बताऊँ या नहीं बताऊँ, किसी भी टाइप की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज, जैसे कि बहुत जल्दी पैनिक करना, एंजाइटी हो जाना, किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो अब इन सब चीज़ों से आपको मिलेगी राहत। इस महीने आपने जितना हो सके अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें, मेडिटेशन करें। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय, ये बहुत कारगर उपाय है और आप सभी को, हम सभी को इसको फॉलो करना है, जिनका है नंबर टू, तो आप लोग किसी भी जगह की सेवा ले लें, चाहे वो गुरुद्वारे है, चाहे वो मंदिर है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, कहीं की भी सफाई की आप सेवा लें। आप यकीन मानिए, इस चीज़ को आप मार्च में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुकून, आपका मेंटल पीस बहुत आएगा। थैंक यू।